चेंबूर तरन तालाब की जिस तरह घोटाले की तस्वीर सामने आई है और जिस तरह स्विमिंग पूल में खड्डे नजर आ रहे हैं कही न कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को शक के दायरे में खड़ा कर दिया है जी हाँ चेंबूर का तरन तालाब हाल ही मेंन तालाब बना और यहाँ पे शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं ने विजिट किया था लेकिन ये तरन तलाव जिस तरह बना है जिस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई है कहीं ना कहीं महानगर पालिका को अब इसमें दखल देनी होगी जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरन तलाव का सौंदर्यीकरण किया है बनाया है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एफ आई लेना चाहिए ऐसा कैलाश अरोड़े जी ने लिखित में लेटर महानगर पालिका को दिया है पुलिस प्रशासन को भी दिया है आइए कैलाश अरोड़े जी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और इस तरन तलाव के मेम्बर भी हैं तो आइए कला सरोजी से जानते हैं मैं जानना चाहूँगा कि आपने महानगर पालिकाओं अधिकारियों से आपने विनती की है लेटर दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्या कहेंगे क्या पूरा मामला है पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये जो तरन तालाब है मैं उसका मेम्बर भी हूँ ये उसका कार्ड है और मुझे पूरा हक़ है कि ये तरन तालाब के बारे में जो कुछ बुरा भला काम होता है वो वार्ड ऑफिसर और लोगों के सामने आ, लाना मेरा फ़र्ज़ है इसके बहाने मैंने आज ही वार्ड ऑफिसर को एक लेटर दिया है और पुलिस प्रशासन को भी लेटर दिया है ये कल की न्यूज़ देख के हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पे जो गड़बड़ घोटाला झाला है 19 करोड़ रुपये की लागत से ये जो स्विमिंग पूल बना है वो स्विमिंग पूल एकदम आ, बेकार हो गया है और नीचे से टाइल्स टूट गए बच्चे लोग को टाइल्स कट रहे हैं और ये पूरी तरह से अभी बंद किया है ये चालीस दिनों में ये नौबत आ गई है इसमें प्रशासन बी फेल हो गई है ऐसा हमारा कहना है और ये लोगों का जो रेवेन्यू है लोगों का जो पैसा है इसमें जो लगा हुआ है ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे आज ही हम लोगों ने ए में भी एक लेटर दिया समन्वय समिति के माध्यम से और पुलिस प्रशासन को भी रिलेटेड दिया है ये जो ए जो कॉन्ट्रैक्टर है और इनके संबंध में जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट के वजह उनके ऊपर एक आ, ये लेना उनके ऊपर एफ लेना चाहिए ऐसे हम लोगों ने मांग की है आपको मैं बता दूं कि सी एन चैनल के माध्यम से हमने एक कल खुलासा किया था किस तरह यहां पर घोटाला हुआ है और तरन तलाव बनाने के बाद तरन तलाव की हालत क्या है दूसरी जो तस्वीर है यहां पे सीसीटी कैमरे लगाए गए हैं तरन तलाव में वो सीसीटी कैमरे भी चोरी हो चुके हैं तो क्या सिक्योरिटी गार्ड सोए रहते हैं दूसरा सवाल है कि इस स्विमिंग पूल में जो रूम बनाए गए हैं जहाँ पे लोग अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं वहाँ के नल भी गायब हो चुके हैं लॉकर भी गायब हो चुके हैं तो आइए जानते हैं कला सरवी से क्या कहेंगे जो लॉकर है लॉकर भी तोड़ दिया गया है नल टूट गया है सी कैमरा वहाँ से निकाल दिया गया इस पे है इस पर क्या कहना है आपका ये बात सही है कि यहाँ अंदर सी कैमरा बिल्कुल भी नहीं है जो होना चाहिए लेकिन वो नहीं है और दूसरी बात वहाँ पे जो आ, मेंबर लोग जाते हैं उनके लिए जो लॉकर बनाए हुए हैं वो लॉकर भी टूटे हुए हैं और ऐसी बहुत से चीज़ सामने सामने आ रही है इसमें पूरी तरह से यहाँ पे घफला झाला है घोटाला झाला है और हम लोग सब लोग नाराज़ है कि इतने सालों के बाद ये स्विमिंग पूल बना है लेकिन ये स्विमिंग पूल एकदम खराब और बेकार कॉन्ट्रैक्टर ने किया है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोगों ने और सब यहाँ के जो पार्टी वर्कर है सब लोगों ने जो समूह विचारी है सब लोगों ने आके यहाँ पे जो घपला हुआ है घोटाला हुआ है और जिन्होंने किया है उनको कार्रवाई के लिए सब लोगों ने मांग करनी चाहिए और हम हम लोग अभी समन्वय समिति के माध्यम से सब लोग को इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो यहाँ पे जो गड़बड़ घोटाला जाला है उसके अंगेंस्ट में हम लोग बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं महानगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क किया है वहाँ से क्या सुझाव आया है उन्होंने कहा वार्ड ऑफिसर को हम लोगों ने आज लेटर दिया है लेकिन वार्ड ऑफिसर ने कहा है इससे इसके वार्ड का कोई संबंध नहीं है लेकिन हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है ये स्विमिंग पूल बीएमसी का है तो हम लोग हम लोग की जो ये मांग है और हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो लेके कहाँ जाए तो हम लोग बाजू में ये यम वार्ड है उनके पास आए थे उनको एक लेटर दिया है लेकिन उन्होंने हाथ ऊपर किया है और हम लोगों को कहा है कि ये इससे वार्ड का कोई संबंध नहीं है ठीक है उनका संबंध नहीं है लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है ये आम लोगों का इसमें पैसा हुआ है रेवेन्यू का पैसा है और हम लोग ये किसी को भी ऐसा उड़ाने नहीं देंगे हम लोग इसकी जाँच की मांग करते हैं जी हाँ तो आप समझ सकते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने हाथ तो हटा दिया है हाथ ऊपर कर दिया है लेकिन इस घोटाले की जांच कब होगी जिस तरह ये स्विमिंग पूल बनाई गई है इसकी जिस तरह हालत देखी जा रही है कहीं ना कहीं नौ उन्नीस हज़ार करोड़ उन्नीस करोड़ रुपए पानी में जा चुके हैं और दूसरी बात इस तालाब की इस स्विमिंग पूल की जो सुरक्षा है जो यहाँ की जवाबदारी है वो पूरा राम भरोसे है तो कौन होगा जवाबदार ये सबसे बड़ी बात है सी ए न्यूज़ ने पहले भी इस खबर का खुलासा किया था सी ए न्यूज़ के चैनल के माध्यम से एक खबर पूरी दिखाई गई थी दो दिन पहले लेकिन अब देखना ये है कि महानगर पालिका के अधिकारी किस तरह कार्रवाई करते हैं क्या पुलिस प्रशासन दोषी के ऊपर एफ लेगी कैमरामैन आनंद गौर के साथ राज पांडे सीए न्यूज मुंबई